मन हुओ बैरागी रे आज मन नम शिवाय गाए, इस संगत करो निर्मल संत री रेली, वायक आया वो गुरुदेव रे रूपा जागन में पधारो रे। हा छोटू सिंह जी, आपको संगीत में मतलब आप बचपन से गा रहे थे, आपके कोई गुरु जी है, आपको संगीत कैसे पसंद आई? आप संगीत तो ऐसी चीज़ है जो किसी जानवर को, किसी पक्षी को, किसी जीव को सुना दे तो वो पसंद तो आती है। तो मैं भी बचपन से सुनता था, आसपास में हमारे मिरासी लोग जो भी हैं वो अच्छा गाते थे तो उनको सुन के भी सीखते थे। उसके बाद जब टेलीविज़न आया तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो जब कुछ अच्छा लगता है तो उसको ग्रहण करने की और कोशिश ये करते हैं कि हमारी ओर से भी अगर ऐसा कुछ हम कर पाएँ जो लोगों को अच्छा लगे, तो वो संगीत सबसे बेस्ट चीज़ है। और जब भी गाया माता जी के पास, वो सबको बहुत पसंद आया। आपने सबसे कौन सा भजन या मारवाड़ी गीत गाया जो आज उस गाने को लेकर आज पॉपुलर हो आप ज़्यादा? मैंने सबसे पहले पद्मावती माता का, इससे मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोगों के कॉल वगैरह आते थे। उसके अलावा फिर सतरंगी लहरियो जब चला तो वो भी बहुत अच्छा चला और बहुत सारे लोगों का हर जगह बजता था तो बड़ी खुशी होती थी। उसके बाद वायक आए गुरुदेव का, हेली, ऐसे करके अनेकों भजन मैंने जब से गाए हैं तब से लोग बड़ा प्रेम और आशीर्वाद देते हैं। आप सबसे ज़्यादा फैन किसके हो गायक के? मैं उदित जी नारायण साहब का सबसे ज़्यादा फैन। उनके कौन कौन से आपने कभी गाने गाए? हाँ, बहुत सारे। राजस्थान के ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आपने बड़े बड़े कार्यक्रम किए? राजस्थान के लगभग सभी कलाकारों के साथ किए। गुजरात, गुजरात के कौन? गुजरात में गीता बहन के साथ मैंने काफ़ी कार्यक्रम। गीता बहन के साथ आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड किया? हाँ, अभी अभी किया। कौन सी हुई? मन नमः शिवाय गाए। एक छोटू सिंह जी, थोड़ा। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए, मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए, शंखों की राग ढूंढने की आग मुझे तेरी याद सताए, मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। एक अंतरा हेली का सुना दो आप। इस संगत करो निर्मल संत री रे हेली, संगत करो निर्मल संत री रे हेली, आवागमन मिट जाए रे, जन्म मरण छुट जाए। थैंक यू। ये छोटू सिंह जी राणा है, तो छोटू सिंह जी बाड़मेर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो आज? आज आप आए हो इस कार्यक्रम में, बड़ा कार्यक्रम था। हाँ, आनंदपाल सिंह जी का संदेश तो मैं क्या दूँ इस चीज़ में, असमर्थ हूँ मैं। फिर भी आज रक्तदान शिविर में अच्छा लगा, और भी 36 फॉर्म के सभी लोगों से भी निवेदन रहेगा। बहुत सारे ऐसे असहाय लोग होते हैं जिनको रक्त की बड़ी आवश्यकता होती है, और जो निर्धन होते हैं, जो इसको जुटाने में नहीं जुटा पाते, तो उनके लिए जब भी आपकी ज़रूरत पड़े, आपके रक्त की ज़रूरत पड़े, सबसे पहले चला जाना। क्योंकि आपके चार बूंद से आपके शरीर में कुछ नहीं घटना, पर वो चार बूंद जब किसी व्यक्ति के, किसी ज़रूरतमंद के रगों में, अगर किसी बीमार के रगों में चला गया तो उसको ज़िंदगी दे सकता है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो हॉस्पिटल में आती हैं, बहुत सारे ऐसे भाई, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आपसे आस लगाते हैं कि जो स्वस्थ हैं, जो देने के काबिल है, जो दातार हैं, उनसे हमको कभी ना कभी लाभ मिलेगा। तो आप दातारी का भाव रखें, और करना भी क्या दान है, जो रोज़ बढ़ता है वो खून दान करना है, जिसको सदियों से हमने संभाल के रखा है। तो अपने रक्त को दान करें, सबसे बड़ा महादान है ये। मेरी बाड़मेर वासियों से, मेरे युवा जितने भी साथी हैं, सबसे मेरा निवेदन है। और उसके अलावा भी समाज सेवा का और धर्म रक्षा का काम आप लोग करें तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। अभी ये समय है, इस समय में ज़रूरत भी है धर्म को और देश को आप लोगों की। धन्यवाद। वायक आया वो गुरुदेव रे रूपा जागन में पधारो रे, हे रूपा बाई जमले पधारो रे। कैम करेनी गुरु भाई आविया रे, सूता रावण माल जागे रे, हे सूता रावण माल जागे रे। ये है साथियों छोटू सिंह जी रावणा, अपने बाड़मेर जिले के निवासी है, शिव तहसील के रहने वाले है, कोटड़ा गांव के। तो एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।